सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। रोमांटिक ट्रैक सो इट्स अ लव सॉन्ग कि सर यहां देखना सामने वैलेंटाइन डे एंड वैलेंटाइन डे पे सोचा था कि एक रोमांटिक ट्रैक आ जाए तो आ गया और इसमें एक लव एंगल है जो एक ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की है यू नो एक लड़का उसके ख्यालों में खोया हुआ है क्योंकि उससे प्यार करता है तो उसी तरीके का एक ट्रैक देके यू नो एंड में मिल जाता है सिर्फ एक बताना है कि बेचैन कितना बेचैन हूं मैं तेरे लिए बेसिकली ये तभी वो बेचैनियां गाने का ट्रैक आपके साथ में को-स्टार कौन है आयशानी मेहता हरियाणा के लिए कुछ करने की सोच रहा हूँ किस तरह का गाना है ये सर ये सैड नहीं सर रोमांटिक ट्रैक फील इट आंख बंद कीजिए और अमित मिश्रा जी ने इतने बखूबी गाया है कि एंड रीना मेहता जी ने जो अपनी वॉइस दी है साथ में उनके तो एक बहुत अच्छा कॉम्बो निकल के एक बहुत ही खूबसूरत गाना बना और आयशानी ने तो एक्ट अच्छा किया ये कितने दिन से प्लान चल रहा था आपका ये सर देखिए रीना मेहता जी ने मेरे को बिग बॉस से आते ही बहुत अप्रोच किया था एंड यू नो कि she likes me एक होता है ना कि अपना अपना फेवरेट हो जाता है किसी किसी का मे बी आई डोंट नो बट रियल रीजन आई डोंट नो बट वो मेरे को हमेशा बोलते रहते कि एक गाना साथ में करेंगे तो मैं सुनता रहता था पर मैं उस टाइम पे एक तो सीरियल कर रहा था स्टार प्लस का तो उसके बाद एक मूवी फिर मैं बनारस चला गया शूट पे अपनी उसके बाद मेरा थोड़ा सा डेट्स का कुछ बना नहीं पर उन्होंने सडनली मेरे को ये गाना भेजा तो देन अमित मिश्रा जी की आवाज़ सुनी मैंने बोला कि हाँ मेरे को चलो ये कर लेते हैं गाना तो हमने आपस में बैठ के बातचीत करके बहुत अच्छे से आपके सामने खूबसूरत गाना पेश कर दिया जिसको आप सपोर्ट करेंगे मुझे पता है कहाँ पे शूट हुआ है ये सर ये बेसिकली क्या है कि आई गेस आयशानी पार्ट हैज बीन शूट इन जो शूट हुआ है आयशानी का पार्ट वो है सिडनी में कुछ और कुछ वो इंडिया में ही शूट हुआ है मेरे साथ और गाने के बारे में और क्या बताना चाहेंगे सर गाने के बारे में तो यही बताना चाहूँगा कि खूबसूरत गाना है और बहुत दिल से बनाया है कोई भी सॉन्ग हो बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट हो सर तो सिर्फ एक यही है कि कोई भी प्रोजेक्ट को इंसान बनाता है आप हो या मैं हूँ कोई भी हो तो बहुत दिल से बनाते हैं तो बस यही है कि वो दिल से जो जिस उम्मीद से वो गाना बनाए वो उनकी पूरी हो जाए और लोगों के प्यार के लिए बनाए और लोगों का प्यार मिल जाए तो गाना सक्सेस रियल लाइफ एल्बम जो है एल्बम गाने वगैरह पहचान के लिए रियल लाइफ में बेचैनी सर कभी मौका लगा नहीं सही बोला ये बेचैन पहले क्रिकेटर होते थे सर उसके बाद जब कॉलेज में आए तो देखा तब तक उसके बाद जब थोड़े मैच्योर हुए दिन आए तो शादी होगी सर तो वो बात सर बिग बॉस तो खेलने गया था सर मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं जिस तरीके का प्लेयर था जिस तरीके का इंसान था मैं अपनी गेम और अपनी इंसानियत दिखाने गया था तो मेरे टाइम पे मेरे को नहीं लगता किसी और चीज पे ना मेरा फोकस था चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे कुछ मेरा सिर्फ टारगेट था दैट वाज अ बिग बॉस हाउस एंड टू शो कि हरियाणा में इस तरीके के लोग होते हैं और वकील लोग इस तरीके के होते हैं तो अपनी पर्सनालिटी अपनी कॉम की पर्सनालिटी और अपने देश के जो एक हिस्सा है हरियाणा की पर्सनालिटी को सबके सामने जाहिर करने गया था जो बखूबी करी गई कितना बड़ा एक्सपोजर मिला रो मिले उसका आपको एक हरियाणा से निकल के यहाँ तक पहुँचना मुंबई में सर देखिए आई कैन से बिग बॉस इज कर्स्ड एक कर्स भी हमारे लिए और ये एक हमारे लिए क्या कहते हैं एक अमृत भी है ठीक है एक जहर भी है और अमृत भी अमृत इसलिए है कि उसके बाद पूरा देश आपके साथ जुड़ जाता है एक पल के लिए एक लम्हे के लिए धीरे धीरे यू नो नया सीजन आता है तो आपका फैन बेस कम होता जाता है फॉलोइंग यू नो हर तरीके से बट ये एक
अमृत इसलिए कि उसके बाद आपको जो आप एक छोटे से गांव के थे जो थे छोटे से शहर के थे उसके बाद आपको कोई जानता नहीं था एंड सडनली व्हेन यू केम आउट फ्रॉम द बिग बॉस कि आपके पास 3 किलोमीटर तक की रैलियां निकल रही है आपके लिए लोग आपसे प्यार करने लगे हैं हर तरीके का इंसान आपके साथ जुड़ने लगा है और लोग आपसे फिर उससे उसी यू नो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स विद द ग्रेट बर्डन हर एक शोल्डर पे हर किसी की बस की बात नहीं होती वो भार भी उठाना तो मैं ये चीज़ बहुत बखूबी समझ चुका था तो फेम मिला एक्सपोजर मिला और जहर इसलिए कि हर कोई सोचता है कि अब ये रियलिटी स्टार बन गया ये बहुत बड़ा कर देगा पर एक्चुअली इंडस्ट्री में रियलिटी स्टार को एज एन एक्टर कोई कॉमनर आया उसको अपना वजूद बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है जितना एक गांव से कोई शुरू से शुरुआत करता है एज ए रियलिटी स्टार वी आर नॉट एक्टर एक्टर बनने के लिए हमें बिग बॉस से निकलने के बाद वापस से जीरो शुरू करना पड़ता है और छोटा काम हो या बड़ा काम हो काम करने में शर्म ना करो अभी जब से आप निकले हैं कॉमनर का फंडा बंद कर दिया इन्होंने जी क्या कहना चाहेंगे उस बारे में सर ये इनका अपना कॉलेज ही देखो मैं तो कॉमनर्स के साथ ही हूँ कॉमनर्स इतना देखो हमारे टाइम में तो हमें ये पता था सेलेब वर्सेस कॉमनर बट एट द एंड हमें ये भी पता चला कि चलो भाई आप भी सेलेब बन गए तो लड़ने का फायदा हुआ मेरी नजर में तो रुबीना दलक को जिता चुके हैं ये लोग बट अभिनव होता तो मैं चाहता कि अभिनव भी वहाँ होता बट राखी सावंत इज एक सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर मैं अगर किसी को मानता हूँ तो राखी सावंत वहाँ पे मास्टरमाइंड तो बतेरे गए थे पर जो मास्टरमाइंड गिरी राखी सावंत ने दिखाई है यहाँ तक पहुँच के आई सल्यूट हर एंड यू नो उसने अपना एक इमेज पहले हम बचपन से राखी यू नो छोटे ही हैं बट स्टिल एज के बारे में किसी बात के बारे में बोलना नहीं चाहिए पर हम छोटे होते हैं एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे उसे देखते आ रहे हैं एंड राखी सावंत ने जिस तरीके से अपने आप को यू नो हम कुछ और ही सोचते थे बट राखी सावंत प्रूव्ड हरसेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ हर शी इज प्लेइंग रियली वेल एंड आई होप कि आगे तक जाए बट शी रियली यू नो जो एक इमेजिनेशन होती है हमें ना हमें नहीं पता होता था क्योंकि हमने कभी देखा भी नहीं पर राखी सावंत ने बहुत अच्छे से गेम खेला और राखी सावंत बिकम वेरी नाइस पर्सन फॉर मी राखी सावंत इज अ विनर राइट नाउ एंड यू नो निकी तंबोली को भी पसंद करता था बट यू नो रुबीना दलित को जीतना ही है वो आपको नोबल जी कोकास्ट के बारे में जानना चाहेंगे आपके जो कोकास्ट है आपकी जी आयशानी जी उसके साथ काम करके मुझे बहुत मजा भी आया भले ही 1.5 दिन का काम था हमारा बट शी इज ऐसा नहीं होता कि यू नो शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एक गाने को आपको एक्ट करने के लिए उसे सबसे पहले फील करना पड़ता है यू नो बट फॉर और लिपसिंग भी करनी पड़ती है आपको उस हिसाब से यू नो डायलॉग और हिंदी शी इज नॉट दैट मच गुड इन हिंदी बट यू नो शी नो शी अंडरस्टैंड हिंदी वेरी गुड तो उसके बाद क्या हुआ कि तो थोड़ा सा पर उसने बहुत जल्दी क्विकली मेरे को इमेजिन भी था कि जिस तरीके से वो एक्ट कर पाएगी बट शी डिड अ रियली ग्रेट जॉब एंड शी वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कोऑपरेटिव अगर मेरे से कुछ हो जाता था तो यू नो कि तुम ये भी कर सकते हो तो थोड़े टाइम के बाद वो एडवाइस भी देने लग गई थी मतलब इतना घुल मिल गए थे तो उसके लिए आपने खास तैयारी है गाना बनाया है वैलेंटाइन डे की पुरानी कोई यादें मिस बताई नहीं हमारे से कोई स्कूल कॉलेज की कोई सर मेरे को तो मैं आपको मैं आपको सच्चाई बताता हूं सर मेरे को मैं नहीं भाभी अभी नहीं डर रही है अपने हरियाणा तो खोल के बोल दो लड़के चढ़ती है इतने दो वो मारेंगे तो हम मारेंगे ऐसे चलेंगे कोई भी खेता की कोई भी ये पोल खोल रहे सर आप कोई भी कोई बात नहीं यही तो प्यार प्रेम है सर रोमिल भाई कोई ऐसा वाक्य बताओ नहीं सर वाक्य बताता हूं कि सर मैं सच्ची मैं आपको एक सच्चाई बता दूं सर मेरी ना कॉलेज तक तो मेरे को कुछ सिस्टम ही नहीं था मेरा मतलब मैं बहुत डिसेंट होता था हरियाणा से आया था पर हाँ लड़ाई विड़ाई करने वाले हैं ना तो इस तरीके से अपने वो हरियाणवी ठाट चौधरी के बच्चे वो जरूर होता पर लड़कियों के मामले में सर बहुत फटकू होता था ऐसा नहीं कसम से सर वो कॉलेज के बाद थोड़ा थोड़ा सा डेट खुला थोड़ा थोड़ा सा हाईली एजुकेटेड हुए कौन थी वो खुश नसीब जिसको आपने प्रपोज किया वैलेंटाइन डे को एक तो सर मैंने आज भगवान कसम मैंने अपनी जिंदगी में कभी वैलेंटाइन डे नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ वैसे मेरे पे देखो वैसे फ्रेंड गर्लफ्रेंड के सो इशू है पर मैंने अपनी लाइफ में कभी वैलेंटाइन डे कोई हरियाणा वाला देख रहा हूँ दिल टूट जाएगा सर पर उसके बाद देखो ना अब कितने लोगों का वैलेंटाइन ही मैं हूँ सपने देखते हैं बढ़िया है ना सर वैलेंटाइन बनाओ मत वैलेंटाइन बन जाओ क्या मैसेज देंगे आज वैलेंटाइन डे पे आप सर वैलेंटाइन डे पे मैसेज तो यही दूंगा कि यू नो इस सब एक प्यार भरा दिन है
पर जरूरी नहीं है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ही प्यार करना है, आप इस प्यार भरे दिन को एक प्यार से मनाइए और सबके साथ मिलजुल के बहुत अच्छे से मनाइए। एंड यू नो कि जस्ट गर्लफ्रेंड के साथ है तो गर्लफ्रेंड के साथ, अगर किसी गर्लफ्रेंड नहीं है, जैसे मैंने कॉलेज में दिन बिताए थे पर मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता था यू नो, या मदर को फोन कर लेता था, तो कभी अकेला मत महसूस करना वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे इज वेरी स्पेशल डे, बट इट्स अ डे फॉर लव एंड सबके लिए। ओके सर,